तो मैंने रुपीस बेचा, जापानीज येन खरीदा। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास में ये डिटेल दी गई है, ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस है जापानीज येन 2.125, कॉल ऑप्शन इतने प्रीमियम में मिलेगा, पुट ऑप्शन इतने प्रीमियम में मिलेगा। बोलो कॉल ऑप्शन लोगे कि पुट ऑप्शन लोगे? अब आप यहाँ पे गलत डिसीजन कैसे लेते हो? आप ये देखते हो कि मुझे क्या चाहिए। सर मुझे जापानीज येन तो बाय करना है, और बाय करना मतलब कॉल ऑप्शन, तो आपने ले लिया कॉल ऑप्शन जो कि हो गया गलत। कैसे गलत हुआ अब उसी के आगे मैं चल के बताता हूँ। कॉल ऑप्शन इज द राइट टू बाय अंडरलाइंग असेट, बट आपने तो देखा ही नहीं कि अंडरलाइंग असेट क्या है। सर अंडरलाइंग असेट जापानीज येन है ना? अबे तू थोड़ी डिसाइड करेगा कि अंडरलाइंग असेट, तेरे को जो चाहिए वो अंडरलाइंग असेट बन गया, तेरे को जो चाहिए वो एक्सचेंज बेचने लग गया। ना 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 ना, अंडरलाइंग असेट वो होता है जो स्टॉक एक्सचेंज बेचता है। स्टॉक एक्सचेंज ने क्या बेचा बच्चा? स्टॉक एक्सचेंज बोल रहा है जापानीज येन 2.125 पर रुपी। तो व्हाट इज द अंडरलाइंग असेट इन दिस क्वेश्चन? 2.125 इज द प्राइस विच इज इन जापानीज येन, द बैलेंस इज INR, दिस इज योर असेट। तो कॉल ऑप्शन जो मिल रहा है वो है असेट पे, पुट ऑप्शन जो है वो है असेट पे। कॉल ऑप्शन खरीदना मतलब राइट टू बाय द असेट मीन्स रुपीज, राइट टू बाय रुपीज कॉल ऑप्शन खरीदना, पुट ऑप्शन राइट टू सेल रुपीज। व्हाट डू यू वांट टू डू विद द अंडरलाइंग असेट? सर वी वांट टू सेल द अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट इज INR, नीचे देख के पता चला कि INR अंडरलाइंग असेट है, फिर मैंने ऊपर देखा तो INR तो मैं बेचना चाहता हूं, तो बेचने वाला कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ से मैं फिर से आपको एक एक बार समझा रहा हूं, लास्ट टाइम है, देन वील मूव। ध्यान देंगे सर, दो दुकान है, एक जगह पे येन मिल रहा है, एक जगह पे रुपीज मिल रहा है, ठीक है? ये अंडरलाइंग असेट है येन, इस पे कॉल और पुट, उधर भी अंडरलाइंग असेट रुपीज है, उस पे कॉल और पुट। अब ये येन मिल रहा है सर 0.047 INR में, और वहां रुपीज मिल रहा है सर 2.125 जापानीज येन में। आपने देखा कि मुझे सर जापानीज येन बाय करना है और INR सेल करना है, कॉल ऑप्शन लोगे कि पुट ऑप्शन लोगे? अब आपको जो दुकान दी गई है ना, वो ये वाली दुकान दी गई है क्वेश्चन में, और आपने जो गलत डिसीजन लिया वो ये वाली दुकान समझ के लिया, ये वाली दुकान क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। अगर आपको जापानीज येन बाय करना है और दुकान में रुपीज बिक रहा है, तो आप कौन सा ऑप्शन लोगे? कॉल ऑप्शन लोगे तो इसका मतलब रुपीज खरीदना चाहते हो, जबकि यहां आपको जापानीज येन खरीदना है। पुट ऑप्शन लोगे यानी रुपीज बेचना चाहते हो, और यस यहाँ पे आपको रुपीज बेचना है, तो कौन सा आइटम निकल रहा है यहाँ पे? पुट ऑप्शन आंसर निकल रहा है। बहुत सारे बच्चों को जो दिक्कत आती है कि सर पुट ऑप्शन क्यों लिया नीचे में, यहाँ पे आप अगर यहाँ देखोगे तो दिस इज पुट ऑप्शन, क्यों लिया सर? क्योंकि रुपीज बेचना चाहते हैं हम, जो अंडरलाइंग असेट है। तो आप कैसे डिसाइड करना सर एग्जाम में? बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। पढ़ो ढंग से, ऑप्शंस की बात करते हैं। अच्छा इन्होंने तो एग्जांपल लेके समझाया, वेदर वी वांट टू बाय फ्यूचर्स और बाय ऑप्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द अंडरलाइंग असेट विच द स्टॉक एक्सचेंज इज ट्रेडिंग। से इफ यू वांट टू बाय डॉलर्स, अगर आपको डॉलर्स खरीदना है और रेट दिया है आपको ₹50, ₹50, और डॉलर ही असेट है यहाँ पे, और डॉलर ही खरीदना है, तो फ्यूचर्स खरीदेंगे। जो असेट है, जो भी चीज आप खरीद रहे हो ना फ्यूचर्स, इसका मतलब आप असेट खरीद रहे हो। कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाय द असेट, पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल द असेट, बस इतनी सी चीज याद रखो। आगे बढ़ता हूँ सर, यहाँ पे इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, रिविजन वीडियो से समझ नहीं आ रहा मैं डिटेल में क्यों जा रहा हूँ। सो कंक्लूजन क्या है, ध्यान देना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग असेट विच द स्टॉक एक्सचेंज इज ट्रेडिंग इन एंड नॉट वॉट यू वॉन्ट। इफ यू वॉन्ट टू सेल असेट, ध्यान देना, इफ यू वॉन्ट टू सेल असेट फॉर्मूला है बिल्कुल, अगर रटना चाहे रट लो, मतलब अगर नहीं दिमाग लगाना तो। इफ यू वॉन्ट टू सेल असेट, सेल फ्यूचर्स और बाय पुट ऑप्शन,
पुट ऑप्शन बाय करके आप सेल करते हो असेट, एंड इफ यू वांट टू सेल असेट, इफ यू वांट टू बाय असेट, बाय फ्यूचर्स और बाय कॉल ऑप्शन. इफ यू विल सॉल्व करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन क्वेश्चन बाय कंसिडरिंग द अबव लॉजिक द आंसर विल नेवर बी रॉन्ग. ये चीज याद रखना, ठीक है. सो एक्सटर्नल हेजिंग में आपके पास दो तरीके थे हेजिंग करने के, एक था डेरिवेटिव्स मेथड और दूसरा है सर मनी मार्केट हेजिंग. अब मनी मार्केट हेजिंग क्या होता है आप ध्यान से समझ लो. मनी मार्केट हेजिंग में कहा जाता है कि सर अगर आपके पास में फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है तो फॉरेन करेंसी असेट क्रिएट करो, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है तो फॉरेन करेंसी असेट क्रिएट करो, और अगर फॉरेन करेंसी असेट है तो लाइबिलिटी क्रिएट करो. क्यों? मनी मार्केट हेजिंग क्या बोलता है कि फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क तभी होता है जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई कैश का फ्लो होता है. जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई कैश का फ्लो ही नहीं होगा तो कोई रिस्क भी नहीं होगा. तो हमको मनी मार्केट हेजिंग में इस तरह से ट्रांजैक्शंस को फ्रेम करना है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा जाए ही ना. तो अगर आपकी लाइबिलिटी है, मतलब इंडिया से डॉलर आपको अमेरिका भिजवाना है 3 महीने बाद 1 लाख, तो ऐसे ट्रांजैक्शन फ्रेम करो कि 3 महीने बाद 1 लाख डॉलर कहीं और से आना भी है. सो 3 महीने बाद ठीक, 1 लाख किसी को भेजना होगा, 1 लाख कहीं से आना होगा. तब आप क्या करेंगे 3 महीने बाद, ध्यान देना. मनी मार्केट हेजिंग क्या बोलता है, मैं सिर्फ सर लॉजिक पढ़ाऊंगा बिकॉज क्वेश्चन में तो टाइम लग जाएगा आपको. दिस इज इंडिया, दिस इज यूएस. अब आपको भेजना है पैसा 1 लाख डॉलर, किसको? मिस्टर ए को. फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है 3 महीने बाद. आप एक काम करो, बी से पैसा लेना हो ऐसा ट्रांजेक्शन फ्रेम करो, कितना? 1 लाख डॉलर 3 महीने बाद. सर बी हमको पैसा क्यों देगा? बी आपको पैसा देगा अगर आज आप उसके पास में, आज आप उसके पास में कुछ पैसा जमा कराते हो 90,000. आप एक काम करो, बी को आज 90,000 रुपए दे दो, इन्वेस्ट कर दो. लेट से बी बैंक है, 90,000 इन्वेस्ट कर दिया तो 3 महीने बाद वो 1 लाख डॉलर दे देगा, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, मैं फिलहाल मान के चल रहा हूं. 3 महीने बाद वो 1 लाख डॉलर आपको दे देगा, देना बनता है, ठीक है. तो सर 90,000 डॉलर जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो पैसे कहाँ से आएंगे? सर आज ये जो है स्पॉट मार्केट, ये जो है स्पॉट मार्केट में आप 90,000 डॉलर खरीदोगे, बाय करोगे, और उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेट से 50 लाख रुपए. ये बैंक है, बैंक में गए आज, 50 लाख रुपए दिए, 90,000 डॉलर लिए, वो 90,000 डॉलर बी के पास इन्वेस्ट कराए, 3 महीने बाद 1 लाख डॉलर बन जाते हैं लेने के और उसको देने के. 3 महीने बाद ठीक, आप एक काम करो, दोनों को फोन करके बोलो, देख भैया मैं तेरे को पैसे नहीं भिजवा रहा. नहीं भिजवा रहा मतलब नहीं भिजवा रहा तो क्या कर लेगा? बी से लेना बनता है, ए को देना बनता है. आप क्या बोलोगे? बी को बोलोगे कि तू एक काम कर, ए को दे दे. तो ए को मिलना चाहिए था 1 लाख डॉलर, मिल गया. बी को वैसे भी देना था, मुझे ना देते हुए उसको दे दिया, कहानी खत्म. मेरे कंट्री से उसकी कंट्री में कोई भी कैश का फ्लो नहीं हो रहा अगर आप ध्यान से देखोगे 3 महीने बाद. लेकिन अब 3 महीने बाद क्या हुआ, ये जो 50 लाख रुपए है ये मैंने उधार लिए थे कहीं से, मैंने 50 लाख का उधार लिया, फॉरेन डीलर को दिया, उससे 90,000 लिए और 90,000 इन्वेस्ट किए, तब जाके ये सारे ट्रांजेक्शन बने. तो ये जो 50 लाख का उधार लिया है इसको चुकाना तो पड़ेगा ना सर, विद इंटरेस्ट 52 लाख रुपए. तो 3 महीने बाद सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं. मैं यहीं पे इंडिया के इंडिया में ही 52 लाख रुपए चुका रहा हूँ, कैश फ्लो इंडिया के इंडिया में ही हुआ, और 3 महीने बाद उस कंट्री में बी ए को पे कर रहा है डॉलर में, बट 2 कंट्रीज में कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा. जब 2 कंट्रीज में कोई कैश फ्लो नहीं है, मैं भी रुपीज में डील कर रहा हूँ इंडियन पर्सन, वो डॉलर में डील कर रहा है यूएस पर्सन, दोनों को एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं, कितनी अच्छी बात है. दिस इज कॉल्ड एज मनी मार्केट हेजिंग. और अगर लाइबिलिटी है तो असेट क्रिएट करो, असेट है तो लाइबिलिटी क्रिएट करो. इस तरह से ये ट्रांजेक्शन एक बार पढ़ना, आपको सब समझ में आ जाएगा. दिस इज व्हाट द एंटायर फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट इज. लास्ट टॉपिक आपका बचा है, पानी पी के मैं उसको चालू करता हूँ क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक.
थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ आप भी, और फिर हम चालू करते हैं। 10 से 15 मिनट में सब खत्म, ध्यान देना। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको अभी तक का सारा एक बार का रिवाइज करवा देता हूँ, और फिर ये एक बार मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है? सो ध्यान देंगे। अगर अभी तक आपने जितना भी पढ़ा थोड़ा डिटेल में था, इसलिए मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन दे रहा हूँ। मतलब आप जो रिवीजन वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मैं अब करवा रहा हूँ। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट में सर चार टॉपिक है आपके, एक तो है बेसिक्स, दूसरा है थेरीज, थेरीज के बाद में एक्सपोजर, एक्सपोजर के बाद में रिस्क मैनेजमेंट है। बेसिक्स में हमने 7 चीज़ें देखी सर। पहली चीज़ थी एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट ऐसा रेट होता है सर जो कि एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आया था डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट वो होता है किसी भी एक्सचेंज रेट में जो वैल्यू होती है वो अगर होम करेंसी में है तो डायरेक्ट कोट, फॉरेन करेंसी में है तो इनडायरेक्ट कोट। उसके बाद में सर डायरेक्ट कोट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्ट कोट। बिड और आस्क हमने देखा। बिड रेट क्या होता है, बैंक का बाइंग रेट होता है, भूलना मत, अंडरलाइंग असेट का। आस्क रेट इज द बैंक सेलिंग रेट फॉर अंडरलाइंग असेट, ठीक है? उसके बाद में बिड रेट ऑफ डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 बाय आस्क रेट ऑफ इनडायरेक्ट कोट, एंड आस्क रेट ऑफ डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 बाय बिड रेट ऑफ इनडायरेक्ट कोट। उसके बाद चौथा टॉपिक था सर आपका क्रॉस रेट का। क्रॉस रेट में हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए बाई सी इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू बी बाई सी। इसका मतलब है INR, रुपीज पर पाउंड अगर निकालना है तो रुपीज पर डॉलर लो, मल्टीप्लाइड बाय डॉलर पर पाउंड करो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम आंसर निकाल सकते हैं। और अगर हमको रुपीज पर डॉलर बिड का निकालना है तो आगे भी सारा बिड होना, आस्क का निकालना है तो आगे भी सारा आस्क होना। पांचवा टॉपिक है स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट एक ऐसा रेट है एक्सचेंज का, अगर आज आपको सेटल करना है, अगर आपको फॉरेन करेंसी आज सेटल करनी है, आज खरीदनी या बेचनी है तो स्पॉट रेट, अगर फ्यूचर में खरीदनी या बेचनी है तो फॉरवर्ड रेट। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन अगर बेस करेंसी में है तो फॉर्मूला है एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू 12 बाय एन इंटू 100। और अगर होम करेंसी में निकालना है तो सर एस माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू 12 बाय एन इंटू 100। उसके बाद में स्प्रेड एंड स्वैप। स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क, एंड स्वैप इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फॉरवर्ड। उसके बाद में है सर आपका अच्छा बिड रेट। अगर बिड के पॉइंट्स अगर कम होंगे तो हम बिड पॉइंट्स को ऐड, सॉरी हम स्वैप पॉइंट्स को ऐड करते हैं स्पॉट में फॉरवर्ड निकालने के लिए। और अगर बिड पॉइंट्स ज्यादा होंगे आस्क से तो हम माइनस करते हैं फॉरवर्ड निकालने के लिए। थेरीज इन फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी क्या बोलती है, 1+RD डिवाइडेड बाय 1+RF इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय स्पॉट। ये कब फॉर्मूला काम आता है, डायरेक्ट कोट में। इनडायरेक्ट कोट में 1+RF डिवाइडेड बाय 1+RD इज इक्वल टू F/S। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल वाला कॉन्सेप्ट क्या है सर, ध्यान देना। लो इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होनी चाहिए, एप्रिशिएट होनी चाहिए अंटिल एप्रिशिएट होनी चाहिए अप टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, एंड अंटिल देन यू कैन बोरो एट लो इंटरेस्ट रेट, बियॉन्ड दैट यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन दैट कंट्रीज करेंसी। अब दूसरा, हाई इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री की करेंसी IRPT के हिसाब से डेप्रिशिएट होनी चाहिए, कितने अमाउंट से, जितना इंटरेस्ट रेट के बीच में डिफरेंस आ रहा है। और तब तक आप हाई इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री की करेंसी में या कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो, और बियॉन्ड दैट आपको बोरो करना होगा अगर प्रॉफिट चाहिए तो। परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज सिमिलर टू द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, वेयर द फॉर्मूला इज 1+ID डिवाइडेड बाय 1+IF इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय S, डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट में उल्टा। उसके बाद इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट में अपना नॉमिनल रेट और रियल रेट के बीच में इन्फ्लेशन, सॉरी रियल रेट के बीच में रिलेशनशिप। सो 1+ nominal rate of इंटरेस्ट इंटू सॉरी इज इक्वल टू 1+ real rate of इंटरेस्ट इंटू 1+ inflation का रेट। उसके बाद में सर एक्सपोजर्स, 3 तरह के एक्सपोजर होते हैं। एक तो होता है ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, जो 2 डेट के बीच में एक्सचेंज रेट के बीच का डिफरेंस होता है। ट्रांसलेशन एक्सपोजर, जो बैलेंस शीट में असेट्स एंड लाइबिलिटीज को आप ट्रांसलेट करते हो क्लोजिंग रेट्स पे, ये आपका FR में कवर होता है। और इकोनॉमिक एक्सपोजर मतलब ओवरऑल एक्सपोजर, जिसमें ट्रांजेक्शन भी कवर हो गया और जिसमें दूसरा आइटम आपका डिमांड एंड सप्लाई ऊपर नीचे भी हो गया।
फिर आपके बात आती है सर रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट में डिसीजन लोगे आप सबसे पहले कि हेजिंग करना है कि नहीं करना, नहीं करना तो कीपिंग द पोजीशन ओपन। अगर आपको करना है तो आपके पास में दो मेथड है सर, इंटरनल मेथड और एक्सटर्नल मेथड। अगर इंटरनल मेथड के थ्रू जाते हो तो सबसे पहले है सर होम करेंसी इन्वॉइसिंग, उसके बाद लीडिंग एंड लैगिंग आता है, नेटिंग आता है, मैचिंग आता है, प्राइस वेरिएशन आता है और असेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट आता है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल हेजिंग में जाते हैं तो दो मेथड है सर, डेरिवेटिव्स के इस्तेमाल करके एक्सटर्नल हेजिंग कर सकते हो और आप मनी मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डेरिवेटिव्स में आप देखोगे फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप। ऑप्शन हो, फॉरवर्ड हो, फ्यूचर्स हो, आप तीनों चीजें में देखेंगे। स्वैप्स में फिलहाल छोड़ रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है। सो फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन कुछ भी हो, आपको फॉरवर्ड खरीदना है, ऑप्शन खरीदना है या फ्यूचर्स खरीदना है, इसका मतलब अंडरलाइंग असेट खरीदने वाले हो। तो आप पहले ये निकालो कि अंडरलाइंग असेट क्या है, वो मैं खरीदना चाहता हूं कि बेचना चाहता हूं। अगर अंडरलाइंग असेट खरीदना चाहता हूं तो फॉरवर्ड खरीदो, ऑप्शन खरीदो या कॉल खरीदो। अगर मैं अंडरलाइंग असेट बेचना चाहता हूं तो फॉरवर्ड बेचो, फ्यूचर्स बेचो या पुट खरीदो। मनी मार्केट हेजिंग इस तरह से ट्रांजैक्शन को फ्रेम करते हैं कि मैच्योरिटी पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई कैश फ्लो नहीं होना चाहिए, और अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई पैसा का लेन देन नहीं होगा मैच्योरिटी पे तो एक्सचेंज रिस्क काय का, इस तरह से एक्सचेंज रेट रिस्क हटा सकते हैं। अब बात करते हैं प्यार वाली, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के डिलीवरी, कैंसिलेशन और एक्सटेंशन वाली। मैं प्यार वाली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज व्हाट समथिंग एट विच यू नीड टू बी, यू नीड टू पे, यू नीड टू बी क्या बोल सकते हो उसको, आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा सीधी सीधी सिंपल लैंग्वेज में। ये है जीरो डेट, ये 1 महीना, ये 2 महीना, ये 3 महीना, ठीक है। अब या तो आप एक्सपोर्टर हो सकते हो या तो आप इंपोर्टर हो सकते हो। अगर आप इंपोर्टर हो इंडिया में, ठीक है, तो आप फॉरेन करेंसी खरीदोगे बैंक से और पे करोगे। अगर आप एक्सपोर्टर हो तो कस्टमर से आपको मिलेगी और आप बैंक को बेचोगे। सो व्हाट हैपेंस इज, लेट से वी आर इंपोर्टर, इम्पोर्टर है तो फॉरेन करेंसी हम बाय करना चाहते हैं। हम बाय करना चाहते हैं सर 3 महीने बाद। अब 3 महीने बाद हम डॉलर खरीदना चाहते हैं और डॉलर का रेट हम फिक्स कर लेते हैं लेट से 70 रुपये। सो दिस 70 रुपीज इज द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब ट्रांजेक्शन बैंक के एंगल से देखना शुरू करो। कस्टमर और बैंक के बीच में एक ट्रांजेक्शन हुआ है, मैं कस्टमर आप बैंक, मैं आपके पास में आया, मैं बोलता हूं 3 महीने बाद में मैं आपसे 1 लाख डॉलर खरीद के लेके जाऊंगा। सिंपल रखने के लिए 1 लाख ले रहे हैं, ठीक है। आपने बोला ठीक है मैं आपसे 1 लाख डॉलर खरीदूंगा, कस्टमर खरीदेगा तो बैंक बेचेगी, आप मुझे 1 लाख डॉलर 70 रुपये में बेचने वाले हो। लॉजिक देखो, आपको 1 लाख डॉलर मिलेगा 3 महीने बाद, तो 70 लाख रुपए आपने मुझे, सॉरी, मैं आपसे 1 लाख डॉलर खरीद के लेके जाने वाला हूं, यानी आप मुझे 1 लाख डॉलर बेचोगे, मैं आपको 70 लाख रुपए दूंगा। जैसे ही अपने दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप ये डिसाइड करते हो कि, मतलब जैसे ही होने वाला होता है, आप क्या करते हो, 70 रुपए का रेट मुझे देने के पहले आपने पता किया कि यार इसको 1 लाख डॉलर देने हैं 3 महीने बाद, हमको किसी और बैंक से आपको, ठीक है, आपने किसी और बैंक से, आप कौन हो, बैंक, मैं कौन हूँ, कस्टमर, आपकी बैंक किसी और बैंक से खरीदेगी 3 महीने बाद और मुझे बेचेगी। तो पहले आप वो रेट पता करते हो कि कितने में हम खरीदेंगे, उसके बाद मुझे 70 का रेट कोट किया, क्योंकि कभी भी बेचने वाला रेट ज्यादा होना चाहिए। तो आपने देखा कि उधर तो 68 में मिल सकता है 3 महीने बाद, तो आपकी बैंक ने दूसरी बैंक से, इंटर बैंक लेता हूं मैं, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसे कहा जाता है कवर कॉन्ट्रैक्ट। हमारे बीच के ट्रांजेक्शन को कवर करने के लिए आपने दूसरी बैंक के साथ में ट्रांजेक्शन किया। अब उस हिसाब से आप वहां से खरीदोगे और मुझे बेचोगे, तो कितने में खरीदा सर, 68 में खरीदोगे और मुझे 70 में बेचोगे। जैसे ही आपको 68 पता चला, आपने उसमें अपना प्रॉफिट डाला और मुझे 70 का रेट कोट कर दिया। अब दो ट्रांजेक्शन हो गए यहाँ पे, ठीक है,
एक लेता हूँ मैं सर, बैंक टू कस्टमर, ठीक है, बैंक वन टू कस्टमर, ये है सर 70 रेट, और मैं इसको पहला कॉन्ट्रैक्ट का नाम देता हूँ, और ये है सर बैंक वन टू बैंक टू, बैंक टू टू बैंक वन, दिस इज 68 का रेट, और इसको मैं नाम देता हूँ दूसरा, ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते कहेंगे, और ये है कवर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर दो कवर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अब लॉजिकली देखो तो आप मुझे 70 के रेट से बेचोगे और 68 से खरीदोगे तो आपको दो का फायदा होगा और $1,00,000 पे फायदा होगा, यानी आपको टोटल फायदा जो होने वाला है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में वो है ₹2,00,000 का। बैंक हमेशा कमाने के लिए बैठी है यहाँ पे, तो बैंक को फायदा होना बनता है ₹2,00,000 का। आज से ठीक 3 महीने बाद ये सारा ट्रांजेक्शन होना है, आज तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हो, यहाँ पे कई सारी पॉसिबिलिटीज ओपन अप हो जाती है, और ये पॉसिबिलिटीज को 9 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले जो आपने वादा किया था वो आप निभाओगे, कि हमसे आप खरीद के लेके जाओगे, आप ये बोलोगे मेरे को, कस्टमर ने जो आपसे वादा किया था वो निभाएगा और आपसे $1,00,000 खरीद के लेके जाएगा, तो वो 3 चीजों में पॉसिबल है। या तो वो $1,00,000 आपसे ड्यू डेट पे खरीदे, या तो ड्यू डेट के पहले खरीदे, या तो ड्यू डेट के बाद खरीदे। डिलीवरी तो हो रही है सर, लेकिन डिलीवरी 3 जगह पे हो सकती है, या तो ड्यू डेट पे, या तो अर्ली, या तो ड्यू डेट पे, या तो लेट। पहला है डिलीवरी देना। दूसरा सर, हो सकता है कि मैंने जो मशीन मंगाई थी $1,00,000 की, जिसके लिए मैं आपसे $1,00,000 खरीद के उस पार्टी को देने वाला था, वो मशीन खराब निकली और वो मशीन मैंने वापस भेज दी, कौन वारंटी पीरियड में आ रही थी, और मेरे और यूएस वाली पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया 1 महीने बाद ये सब हुआ था, तो मुझे अब 3 महीने बाद आपसे $1,00,000 खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं दूंगा किसको, किसी को देना ही नहीं है। तो मैं आपके पास आऊंगा और बोलूंगा, सर हमने 1 महीने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको अब कैंसिल करना है, क्योंकि मैंने आगे कोई पेमेंट नहीं करना अब, क्योंकि हम लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया, तो अब आपसे $1,00,000 खरीद के करूंगा क्या। तो 3 चीजें हो सकती है कैंसिलेशन के केस में, या तो आपको पहले पता चल गया तो अर्ली कैंसिलेशन करा रहे हो, या तो एग्जैक्ट ड्यू डेट पे पता चला, जिस दिन आप बैंक से खरीदने वाले तो उसी दिन पता चला कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो ड्यू डेट पे कैंसिल करा रहे हो। और तीसरा आता है लेट कैंसिलेशन, ड्यू डेट खत्म हो गई, आप गए नहीं, आपकी गलती थी, और जब आप तारीख आई 5 दिन बाद में आपको दिमाग में आया अभी ये तो कैंसिल कराना था, हम भूल गए कैंसिल कराना, बट अब करा लेते हैं, लेट कैंसिलेशन, ठीक है। या तो डिलीवरी नॉर्मल तरीके से, या तो कैंसिलेशन, और तीसरा आता है सर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब कैसा केस हो सकता है पहले ध्यान दो। अभी क्या हुआ, 3 महीने बाद 70 लाख रुपए आपको देके $1,00,000 मैं आपसे खरीदने वाला हूँ, यानी 3 महीने बाद आपको 70 लाख रुपए कौन देगा, ये कस्टमर देगा, और आप $1,00,000 बेचोगे मुझे। अभी कस्टमर की हालत खराब है, कस्टमर को पता चल गया कि 70 लाख रुपए उस टाइम तक अरेंज नहीं किए जा सकते, तो कस्टमर सबसे पहले तो उसको फोन लगाएगा जिसको $1,00,000 देना है यूएस में, उससे रिक्वेस्ट कर करके बोलेगा थोड़ा और टाइम और दे दो, थोड़ा टाइम और दे दो, पैसा मैं देता हूँ। तो 2 महीने का और एक्सटेंशन ले लिया मैंने उससे, यानी कि अब मुझे ध्यान देना, अब मुझे उस पार्टी को, यूएस वाली पार्टी को ठीक यहाँ पेमेंट करना है, 3 महीने बाद पेमेंट नहीं करना। लेकिन आपके पास आके अब मैं क्या बोलूंगा, सर मैं आपसे $1,00,000 तो खरीदना चाहता हूँ, यानी आप तो मुझे $1,00,000 बेचो, लेकिन ये जो डेट फिक्स हुई उस दिन नहीं, 2 दिन 2 महीने और एक्सटेंड करना चाहता हूँ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। तब जाके क्या होता है, ध्यान देना, कोई भी एक्सटेंशन वाला कॉन्ट्रैक्ट हो, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होता। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने मुझसे किया था वो पहले कैंसिल होता है, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है आगे की डेट के लिए। तो एक्सटेंशन जो है, या तो मैं इस दरम्यान कहीं मांग लू एक्सटेंशन, जिसको मैं कहूंगा अर्ली एक्सटेंशन, या तो ड्यू डेट पे एक्सटेंशन मांगू जिसको मैं बोलूंगा ड्यू डेट पे एक्सटेंशन, या तो मैं उस डेट के बाद कहीं एक्सटेंशन मांगू जिसको हम कहेंगे लेट एक्सटेंशन।
सो ये तीन चीजें हैं सर, अर्ली, ड्यू डेट और लेट। तो अब यहाँ पे आपकी ये तीन चीजें बनती हैं कि एक्सटेंशन, अर्ली एक्सटेंशन, ड्यू डेट पे एक्सटेंशन या लेट एक्सटेंशन। ये 6 किस्से, 9 किस्से तो मैंने आपको समझा दिया, अब ध्यान दो। सबसे पहले डिलीवरी की बात करते हैं। सबसे आसान क्या होता है पता है, 3 महीने बाद खरीदना था, 3 महीने बाद आपका टाइम आ गया, दिस इज कॉल्ड एज ड्यू डेट। 3 महीने खत्म हो गए, 70 रुपये में आप बैंक बेच देगी कस्टमर को, कस्टमर 70 लाख दे देगा बैंक को, बैंक वो 1 लाख डॉलर कहां से लेके आई थी, दूसरे बैंक से लेके आई, 68 लाख बैंक ने इधर दिए, 70 लाख कस्टमर से मिले, 2 लाख बैंक का फायदा, इसको 1 लाख मिल गया, ये लेके चला गया, मतलब पेमेंट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो सबसे बढ़िया क्या होता है, डिलीवरी देना ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट डिलीवरी, उसमें आप डिलीवर करते हो एट एन एग्रीड रेट, कहानी खत्म। अब अगर आपको डिलीवरी नहीं देनी ड्यू डेट पे और आपको करना रहा कैंसिल, तब आती है दिक्कत। और कैंसिलेशन इतने आसानी से होगा नहीं, क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। बैंक ने तो 1 लाख डॉलर खरीद लिया 68 के रेट से, तो बैंक के तो 68 जा चुके हैं। अब आप बोल रहे हो कि बैंक के पास तो आ गए, लेकिन कस्टमर बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, बैंक क्या करेगा उस 1 लाख डॉलर का, बैंक वो 1 लाख डॉलर मार्केट में किसी और को दे, वापस दूसरी बैंक को बेच देगा स्पॉट रेट पे, उसी दिन बेचेगा क्योंकि उसी दिन खरीदे। तो जब ड्यू डेट आती है तो बैंक, आप तो ले नहीं रहे, आप बोलोगे कैंसिल करना है मुझे कॉन्ट्रैक्ट, तो बैंक किसी और को बेच देगा। तो बैंक के एंगल से देखो, बैंक ने किसी और को बेच दिया, लेट से बैंक ने बेचा किसी और को 69 के रेट से, 69 भी नहीं, 66 के रेट से बेच दिया, तो बैंक ने 68 में खरीदा, 66 में बेच दिया स्पॉट रेट। अब कैंसल जो आप कर रहे हो, कस्टमर कैंसिल कर रहे हो, तो कस्टमर को कैंसिलेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, विच इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन 70 एंड 66, कितना, 4, ये 4 लाख रुपए आप बैंक को पे कर दो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। अब लॉजिक अगर देखोगे तो बैंक को सिर्फ 2 लाख का ही फायदा होता है, वो ऐसा है कि 2 लाख को आप, 2 लाख का आपसे फायदा होने वाला था और 2 लाख का यहाँ पे नुकसान हुआ, तो टोटल आपको 4 लाख बैंक को मिलने चाहिए थे, तो 2 लाख नुकसान हुआ स्पॉट में प्लस आपसे जो फायदा होने वाला था, तो उस तरह से ये 4 लाख आपके निकलते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना दिमाग मत लगा उस चीज में। तो यहाँ पे कैंसलेशन होगा स्पॉट रेट पे, अगर ड्यू डेट पे कैंसिल कर रहे हो तो, ठीक है। और अगर एक्सटेंशन की बात आती है तो पहले सेम चीज कैंसिल करोगे स्पॉट रेट पे, जो चीज कैंसलेशन में हुई वहां ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा स्पॉट रेट पे और नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा। यानी कि यहां से अगर एक्सटेंड करना है तो यहां से अगर 2 महीने एक्सटेंड करना है तो यहां पे 2 मंथ्स का फॉरवर्ड आप फिर से लोगे, दिस इज न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा यहाँ पे। तो ये मैंने ड्यू डेट वाले सारे ऑप्शन बता दिए। डिलीवरी देना है जो रेट फिक्स हुआ उस पर डिलीवर देके खत्म करो, कैंसिलेशन करना है जो रेट फिक्स हुआ था वो, और उसके बाद कैंसिल करोगे स्पॉट रेट पे, यानी अपोजिट ट्रांजेक्शन करते हो, बाय किया था तो सेल, सेल किया था तो बाय, तो ये स्पॉट रेट पे कैंसिल करके जो भी डिफरेंस आ रहा है पे करके खत्म करोगे। और एक्सटेंशन में क्या होता है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट पहले कैंसिल करोगे और नया कॉन्ट्रैक्ट फिर से एंटर करोगे। मैं बात करता हूं सर डिलीवरी, अर्ली डिलीवरी की। अर्ली डिलीवरी में क्या होता है, ध्यान देना, अब यहां पे ट्रांजेक्शन आपके बहुत बढ़ जाते हैं। फ्रेश माइंड से दिमाग लगाओ, आप ठीक 2 महीने बाद बैंक के पास जाते हो और बैंक को बोलते हो कि यार मेरे को जल्दी पैसा चाहिए, मेरे को प्लीज आज दे दो, आज पैसा दे दो, मैं आज पैसा दे के मैं उसको पेमेंट करना चाहता हूँ, जल्दी पेमेंट करना है क्योंकि मैं लीडिंग करने वाला हूँ, लीडिंग एंड लैगिंग, लीडिंग। जो पैसा 3 महीने बाद बैंक बेचने वाला था वो आप बोल रहे हो कि 2 महीने बाद ही बैंक बेचे, बैंक के पास कहाँ से आएगा, आ रही बात आपको समझ में। बैंक को यहाँ पे स्पॉट में खरीदना पड़ेगा, बैंक स्पॉट में खरीदती है लेट से फॉर एन एग्जाम्पल
71 रुपीज़ में, और आपको तो बेचेगी जो रेट एग्रीड है उस पे 70। तो लॉजिक अगर देखोगे तो बैंक के जेब से पैसा ज़्यादा जा रहा है। ध्यान देना, बैंक ने यहाँ पे स्पॉट में 71 लाख रुपीज़ किसी को पे करके 1 लाख डॉलर लिया और आपको 70 के रेट से बेच दिया जो एग्रीड रेट था, ठीक है। तो यहाँ पे कैश फ्लो कस्टमर के लिए सबसे पहले तो कस्टमर को 70 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन बैंक के एंगल से देखो तो बैंक के 71 गए, 70 आए, बैंक का तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस आउटफ्लो। इस अमाउंट पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, एक्स्ट्रा पैसा जो बैंक का गया उस दिन, जो कैश आउटफ्लो हुआ उस दिन 70 का एक इनफ्लो हुआ था बैंक को और 71 का आउटफ्लो हुआ था, उस दिन जो भी कैश फ्लो हुआ उसका नेट ऑफ करके जो भी आउटफ्लो आ रहा है, बैंक का पैसा ज्यादा जा रहा है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जो चार्ज किया जाएगा कस्टमर से। अगर इनफ्लो आता तो बैंक पे करते इंटरेस्ट कस्टमर को, ठीक है, एक ही है। बट अब दिक्कत क्या हुई, ध्यान दो, 2 महीने बाद कस्टमर को आपने 1 लाख डॉलर बेच दिया बैंक ने। अब 3 महीने बाद क्या होने वाला है पता है? आप किसी और से 68 में, बैंक किसी और से 68 में खरीदेगी तो बेचेगी किसको? कस्टमर तो फिर से आके नहीं खरीदेगा, आ रही बात आपको समझ में? तो जब 68 में खरीदेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी किया हुआ है वो कहीं ना कहीं तो सेटल करना पड़ेगा। तो बैंक क्या करती है यहाँ पे, बैंक यहाँ पे 1 मंथ का, क्योंकि 1 महीना बाकी है, यहाँ से फॉरवर्ड ले लेती है। अब बैंक खरीद रही है 3 महीने बाद, तो यहां पे बेचेगी। अब बेचने का रेट है, लेट से बेचने का रेट है 66, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया 1 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पे क्या होगा पता है, 68 में खरीदेगी और 66 में बेचेगी, तो यहां पे बैंक को नुकसान होगा 2 लाख का, कंफर्म हो गया नुकसान। किसके वजह से? कस्टमर की वजह से। तो ये जो दो रेट है आपके, ये 2 लाख का नुकसान कंफर्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, तीन चीजें यहां पे मैं, चार ट्रांजेक्शन के नाम देता हूं, सॉरी। एक तो ये जो 71 पे अननेसेसरी बैंक को खरीदना पड़ा, क्यों? क्योंकि कस्टमर बोलता है कि भैया आज के आज मुझे बेचो, तो बैंक को एक ये नया ट्रांजेक्शन लेना पड़ा इसको क्लोज करने के लिए, 70 वाले को। इसका नंबर मैंने दिया तीसरा। उसके बाद जो कवर रेट लिया हुआ था उसको क्लोज करने के लिए बैंक को 3 महीने बाद 1 महीने का फॉरवर्ड लेना पड़ा, इसको मैंने दिया चौथा। अब यहाँ पे चार ट्रांजेक्शन हो गए, दो पुराने वाले 1 2 और 3 4 नए वाले। अब मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, ये जो दो नए रेट है, 71 पे बैंक बाय कर रही है, 66 पे बैंक बेच रही है, इसके बीच में डिफरेंस है -5 या 5 लाख का। इसे कहा जाता है स्वैप लॉस। स्वैप लॉस आप निकालोगे दो नए रेट के बीच का कैश फ्लो या लॉस और प्रॉफिट जो भी होगा, दो नए रेट के बीच में जो डिफरेंस आता है वो होता है स्वैप लॉस। और उस दिन 2 महीने बाद जो ये दो रेट है, फर्स्ट और थ्री, ये कैश फ्लो उस दिन हुआ था। एक्चुअल में ये कैश फ्लो नहीं है, 71 66 पूरा कैश फ्लो नहीं है, 66 इज ओनली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दो नए कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस इज द स्वैप लॉस, एंड उस दिन होने वाले कैश फ्लो 1 और 3 के बीच का डिफरेंस इज द इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फिगर। सो यहाँ पे कस्टमर को तीन चीजें पे करनी पड़ेगी, एक तो 70 लाख पे करेगा, उसके बाद में ओरिजिनल जो रेट था, उसके बाद में स्वैप लॉस पे करेगा। ये स्वैप लॉस आप कैलकुलेट करोगे डिफरेंस बिटवीन टू न्यू रेट्स या न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा ऑन डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो ऑफ अर्ली डेट। सिंपल, इतना ही है। तो कभी भी अगर आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, स्वैप लॉस निकालना ही नहीं, जो दो नए कॉन्ट्रैक्ट किए ना पुराने दो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए उनके बीच का डिफरेंस, और इंटरेस्ट निकालना है यानी कि अर्ली डेट पे जो भी कैश फ्लो हो रहा ना, अर्ली डेट पे जो भी कैश फ्लो हो रहा उसके बीच का डिफरेंस।
तो उससे इंटरेस्ट पता चलेगा। ठीक है एक सेकंड ना, चार्जिंग लगाने दो बस। ठीक है अब आपको बाकी चीज़ें समझाना इजी हो जाएगा, क्योंकि स्वैप लॉस और गेन। अच्छा लॉस आया तो कस्टमर से लेंगे और गेन आया तो कस्टमर को देंगे अर्ली डिलीवरी के केस में। सो ध्यान देना, डिलीवरी के केस में क्या, डिलीवर एट एग्रीड रेट, लेना है तो जो भी रेट एग्री किया होगा, देना होता जो भी रेट एग्री किया। फिर इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ फंड, आउटफ्लो है तो कस्टमर से लेंगे, इनफ्लो है तो कस्टमर को देंगे। और स्वैप गेन और लॉस, अगर स्वैपिंग करने से बैंक को गेन हुआ है तो वो कस्टमर को पास कर देगी, अगर बैंक को नुकसान हुआ है तो कस्टमर से वो ले लेगी। तो ये भी आपका यहाँ पे खत्म हुआ। अब ध्यान दो, कैंसलेशन अगर आप पहले करते हो, अर्ली डेट पे कैंसलेशन करते हो, तो क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे, अभी समझाता हूँ। आपने फॉरवर्ड लिया था 3 महीने का, 3 महीने का मान लो बैंक ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल किया था, ठीक है, कस्टमर 2 महीने बाद आके ही कैंसिल करने को बोलता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो 3 महीने बाद खत्म होने वाला था, मतलब और 1 महीना, तो बैंक को यहाँ पे बाय करना पड़ेगा 1 मंथ फॉरवर्ड। मतलब 1 मंथ फॉरवर्ड क्यों बैंक बाय कर रही है, कोई भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए नया जो कॉन्ट्रैक्ट लोगे वो अपोजिट होना चाहिए, ये सेल था तो ये बाय होगा, ये तो कंफर्म। उसके बाद दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक ही डेट पे मैच्योर होना चाहिए। सो अगर आप 1 महीने पहले आके कैंसिल करना चाहते हो, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप ले रहे हो ये 1 महीने फॉरवर्ड करेगा। सो अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे खत्म होगा, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक ही डेट पे खत्म होने चाहिए, ठीक है, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट अपोजिट होने चाहिए, खत्म, इतनी सी बात। और अगर कैंसलेशन ड्यू डेट पे है तो कहानी खत्म है, उसी दिन का रेट है। और एक्सटेंशन की बात करता हूं, अगर आप अर्ली डेट पे एक्सटेंशन कराना चाहते हो, एग्जाम्पल के तौर पे ये है आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने वाला, ठीक है, बैंक यहाँ पे 3 महीने का फॉरवर्ड सेल करके बैठी हुई है, ठीक है, इस डेट पे यानी कि 2 महीने बाद कस्टमर आता है बोलता है कि मेरे को और 1 महीने का एक्सटेंशन चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बैंक क्या करेगी, एक तो स्पॉट रेट पे कैंसिल कर दो, तो आप क्या करोगे, स्पॉट पे बाय करोगे, तो ये 3 महीने का स्पॉट पे बाय नहीं, कैंसिल अगर करना है आपको, कैंसलेशन ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो यहाँ पे भी अगर आपको कैंसिल करना है तो आप 1 मंथ का फॉरवर्ड बाय लोगे। बैंक क्या करेगी, ऐसा नया कॉन्ट्रैक्ट लेगी जो कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की डेट पे ही एक्सपायर हो रहा है। तो ध्यान देना, दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेम डेट पे एक्सपायर हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट अपोजिट है, सेल और बाय, तो बैंक का कहानी खत्म। अब यहाँ पे बैंक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेगी कस्टमर के साथ में, और यहाँ से 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2 मंथ का फॉरवर्ड सेल, तो वो यहाँ तक चलेगा। आई बात समझ में, जैसे ही 1 महीना और कंप्लीट होगा पुराने दोनों कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे और ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सर आपका डिलीवरी, कैंसलेशन और एक्सटेंशन। अब मैं बात करता हूं लेट डिलीवरी, लेट कैंसलेशन और लेट एक्सटेंशन की, तीनों की मैं एक ही साथ बात करता हूं। क्यों, क्योंकि जब लेट होता है तो ये कस्टमर की गलती मानी जाती है, और ड्यू डेट से ध्यान देना, कस्टमर के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, यहां ड्यू होने वाला है और कस्टमर हो गया लेट, और अगर कस्टमर लेट हो जाता है, कस्टमर लेट हो जाता है, तो अब यहां पे लेट होने के बाद में वो करता क्या है उस पर डिपेंड करता है। अब लेट से वो किसी इस दिन पे डिलीवरी देना चाहता है, तो डिलीवरी के 2 रूल है। एक रूल तो कंफर्म है कि 15 दिन तक ही, ड्यू डेट के 15 दिन तक ही ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अगर आप 8 तारीख को आके डिलीवर करना चाहते हो तो आप डिलीवर कर सकते हो, लेकिन आप पुराने रेट पे डिलीवर नहीं कर सकते, ओरिजिनल रेट पे डिलीवर नहीं हो सकता, जो रेट डिसाइड किया था, ये रेट खत्म। 8 तारीख का जो भी स्पॉट रेट है उस पे आपको डिलीवर करना पड़ेगा, जो भी स्पॉट रेट है, प्लस कैंसलेशन के चार्जेस जो भी लगने। बट अगर आप 17 तारीख को आते हो तो आपको पहले जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल होगा 15th वाले रेट पे, 15th वाले रेट पे, यानी आप समझ रहे हो कि किसी भी हालत में ड्यू डेट के बाद, एक सेकंड ना, किसी भी हालत में ड्यू डेट के बाद
या तो 15 दिन के पहले वाली डेट, या तो 15 तारीख वाली, 15 दिन वाली रेट, 15 दिन वाली रेट, दोनों में से जो भी पहले हो रही है वो अप्लीकेबल होगी डिलीवरी के लिए, कैंसलेशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए। पढ़ना आप ध्यान से यहाँ पे, लेट डिलीवरी अगर है तो पहले तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। कैंसल एट स्पॉट रेट और द रेट ऑन 15th डे फ्रॉम ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। अगर 15 दिन पहले आ गए तो उस दिन का रेट, या तो 15 दिन वाला रेट, अगर 15 दिन के बाद आए तो 15 तारीख तक, 15 दिन वाला, तारीख नहीं सॉरी, वहीं तक, उस पर पहले तो कैंसिल होगा। अगर आउटफ्लो है इंटरेस्ट पे वो देना पड़ेगा, स्वैप गेन और लॉस है तो वो सेटल होगा, गेन तो नहीं होगा, लॉस ही सेटल होगा यहाँ पे, ठीक है। गेन देना नहीं बनता यहाँ पे बैंक ने आपको, एक सेकंड ना, गेन देना नहीं बनता। लेट वाले केस में बैंक के, बैंक को खुद को भी गेन हो रहा होगा तो बैंक पास ऑन नहीं करेगी क्योंकि कस्टमर ने डिफॉल्ट किया, और उसके बाद में डिलीवर एट स्पॉट रेट। सो ध्यान दो, अगर आप सिंपल सा एग्जांपल लेते हो, 8 तारीख को आते हैं तो क्या होगा पता है? 8 तारीख को स्पॉट रेट पे पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा और उसी रेट पे आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो, बेचना है तो बेच सकते हो। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी उसी रेट पे हुआ स्पॉट रेट पे, और नया कॉन्ट्रैक्ट भी उसी रेट पे हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप इस रेट, इस डेट पे आते हो, लेट से 17th को आते हो, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो 15 दिन वाली रेट पे कैंसिल होगा, और जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो 17 दिन वाली, 17वें तारीख वाली रेट पे बनेगा। आई बात समझ में? तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के कैंसलेशन का जो डेट है या रेट है, या तो 15 दिन के पहले वाली जिस दिन आप आ रहे हो वो, या तो 15 दिन वाली, उस पे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। और नया कॉन्ट्रैक्ट है वो तो जिस दिन आओ, 8 तारीख को, 15 को, 17, नया कॉन्ट्रैक्ट उस दिन पे बनेगा। सो डिलीवर एट स्पॉट रेट इन केस ऑफ एंटर इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कैंसिल अगर आपको करना है, ड्यू डेट चली गई और उसके बाद 8 तारीख को, 8 दिन बाद आते हैं, तो 8वें दिन वाला रेट लग जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कहानी खत्म। 15 तारीख को, 15 दिन बाद आए तो 15 दिन वाले वाला रेट लगेगा, 18 दिन बाद आए तो भी 15 दिन वाला रेट लगेगा, और कैंसिल हो जाएगा, कहानी खत्म। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो फिर वही इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो तो देना पड़ेगा, स्वैप लॉस है तो वो भी देना पड़ेगा, गेन वगैरह नहीं मिलेगा आपको तो गेन काट देना यहाँ से। और एक्सटेंशन अगर करना है, 8 तारीख को आए, 8 दिन बाद आया, डिलीवरी के ड्यू डेट के 8 दिन बाद आया, तो उस दिन के रेट पे कैंसिल होगा 8 दिन वाले, और इंटरेस्ट भी, स्वैप लॉस भी, ठीक है, और 8वें दिन वाले ही रेट पे नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, सॉरी 8वें दिन वाला रेट नहीं, जो भी फॉरवर्ड रेट होगा उस दिन वहां से लेके आगे, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक्सटेंड करना है। बट अगर आप 17वें दिन आए तो कॉन्ट्रैक्ट पुराना वाला कैंसिल होगा 15वें दिन वाले रेट पे, और 17वें दिन जो फॉरवर्ड रेट है उस पे आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, जिससे एक्सटेंड हो जाएगी, कहानी खत्म। तो ये है सर आपका पूरा डिलीवरी, कैंसलेशन एंड एक्सटेंशन। थोड़ा प्रॉब्लम्स के साथ में इसको सॉल्व करना तो ज्यादा समझ में आएगा, आई नो ऐसे थेरी पढ़ पढ़ के समझ में नहीं आएगा आपको, फिर भी एक हाथ चीज मैं आपको समझा देता हूं, अगर इसमें मैं समझा पाऊं तो, एक्सटेंशन वाले केस में अब दो केस है, दोनों केस में लेट बता रहा हूं, लेकिन एक मैं 8 तारीख को आके मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं, और दूसरे में 17 तारीख को, 17 दिन बाद आके मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, 8 तारीख मतलब 8 दिन बाद और 15 दिन, 15 दिन और 17 दिन। तो इस केस में क्या होगा, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 8 दिन वाले रेट पे कैंसिल हो जाएगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, स्वैप देना पड़ेगा, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये पहले कैंसिल होगा 8वें दिन वाले रेट पे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, स्वैप लॉस देना पड़ेगा, और अगर न्यू कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं मैं तो इसमें भी 8वें दिन वाला रेट लगेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा,
ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कैंसिल होगा 15वें दिन वाले रेट पे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, स्वैप देना पड़ेगा, और जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा सर, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में रेट लगेगा 17वें दिन का फॉरवर्ड रेट, मतलब फॉरवर्ड रेट विच इज अवेलेबल ऑन 17वें दिन। यहाँ तो 15th का स्पॉट लग रहा है, ठीक है, यहाँ 8th का फॉरवर्ड लगेगा और यहाँ 8th का स्पॉट लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कब होता है सर? 15वें दिन या उसके पहले वाली डेट की स्पॉट रेट पे, ठीक है, अगर आप पहले आए तो पहला, नहीं तो 15वां, बस 15 के बाद 16, 17, 18 नहीं आता। सो दिस इज ऑल अबाउट डिलीवरी कैंसिलेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद में सर कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें है कि इन ऑटोमेटिक कैंसिलेशन प्लीज नोट इन अबाउ इन केस ऑफ लेट इफ देर इज प्रॉफिट बाय द बैंक ऑन एनी कोर्स ऑफ एक्शन द सेम शैल नॉट बी पास्ड ऑन टू कस्टमर एज नॉर्मली पास्ड कैंसिलेशन एंड एक्सटेंशन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट पे या कैंसिलेशन ड्यू डेट के पहले अगर कुछ ऐसा होता है और कंपनी बैंक को गेन होता है तो बैंक पास ऑन करती है, लेकिन लेट वाले केस में बैंक पास ऑन नहीं करेगी, रूल है। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड इज चार्ज बाय द बैंक एट अ रेट विच इज नॉट लेस देन द प्राइम लेंडिंग रेट PLR। ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट क्या होता है, ध्यान देना, बहुत ही सिंपल। फॉर अ ब्रोकन पीरियड द कन्वीनियंट वे इज टू इंटरपोलेट द रेट्स बिटवीन द टू स्टैंडर्ड डेट डेज, लिख देना द टू स्टैंडर्ड डेट। ठीक है, अब ध्यान दो। लेट से फॉर एन एग्जाम्पल की स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है 47 रुपीज पर डॉलर का, 47.072547445, 47.0745। कभी भी ये जो डिजिट लिए रहते हैं ना बाद में, ये आखिरी से शुरू होते हैं, तो 725 के जगह 745 लगेंगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद 1 महीने का फॉरवर्ड दिया है, 3 महीने का फॉरवर्ड दिया है और 6 महीने का फॉरवर्ड दिया हुआ है पॉइंट्स में। अब लेकिन आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है 3 महीने 25 दिन का, कैसे निकालोगे? ना 1 महीने का 3 महीने 25 दिन का कहीं पे है ही नहीं। या तो 1 महीने का फॉरवर्ड निकल सकता है, ये स्वैप पॉइंट्स है सर, ये स्वैप पॉइंट्स ऐड कर दो स्पॉट में तो आपको आ जाएगा स्वैप, तो देखा ही आपने, 3 महीने का दिया है, 6 महीने का दिया है, अब बताओ कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे इंटरपोलेट करना इज इम्पॉर्टेंट। जब 3 महीने 25 दिन का आपको निकालना है तो 3 महीने के दो ये जो रेट दिए है इनको इंटरपोलेट करो। सो बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना, 3 महीने और 6 महीने के बीच में कितने दिन का गैप है सर? 90 दिन का गैप है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ध्यान देना, बिड पॉइंट लेते हैं, बिड, तो बिड है 3 महीने का 145 और 6 महीने का 155, तो 145 3 महीने से आगे बढ़ रहे हैं, प्लस 155 माइनस 145, यानी कि 3 महीने के 3 महीने में ये कितना बड़ा बिड, ठीक है। और अगर 3 महीने में इतना बड़ा, कितना, 10 पॉइंट बड़ा 3 महीने में, तो डिवाइडेड बाय 90, 10 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 25, दिस इज कॉल्ड एज इंटरपोलेशन, तो ये आता है टोटल 148। उसी तरह से आस्क वाला किया आपने, वो आया 164। अब 148, 164 आपको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं स्वैप के, ये है 3 महीने 25 दिन के, और ये आप स्पॉट रेट में ऐड कर दो। 148 आपने ऐड कर दिया, आपने 164 यहाँ पे ऐड कर दिया, आपको फॉरवर्ड रेट मिल गए 3 महीने 25 दिन के। बट हमेशा याद रखना, आपको यहाँ पे बिड छोटा है आस्क से, तो आपने प्लस किया, और अगर वही आपको बिड में बड़ा दे देता आस्क से 175, 155, तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ता, ये चीज़ याद रखना। इंटरपोलेशन जो आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और एक आखिरी टर्म आपका बाकी है कि कौन से एक्सचेंज रेट को आप अमेरिकन टर्म कहते हो, कौन से एक्सचेंज रेट को, कब अमेरिकन टर्म वर्ड यूज होता है, कब यूरोपियन टर्म यूज होता है, ध्यान देना। अमेरिकन टर्म तब यूज होता है जब US डॉलर पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी दी होती है, किसी भी एक्सचेंज रेट में जब प्राइस US डॉलर में होती है, असेट नहीं, प्राइस। सो व्हेन एनी एक्सचेंज रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ US डॉलर पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, US डॉलर पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, जैसे कि देखो डॉलर पर पाउंड 1.50 दिया है, तो डॉलर पर पाउंड 1.50, पाउंड इज द असेट, डॉलर इज द प्राइस। व्हेन डॉलर इज द प्राइस इट इज कॉल्ड एज अमेरिकन टर्म। जब हम लिखते हैं ना रुपीज पर डॉलर, अगर हम ये लिखे सर कि रुपीज पर डॉलर 70 है, तो हमारी करेंसी प्राइस करेंसी है, दिस इज इंडियन टर्म,
और अगर हम लिख दें डॉलर पर रुपीज 0.02, दिस इज यूरोपियन टर्म, क्योंकि हमारी करेंसी अब असेट करेंसी बन गई। तो यूरोपियन टर्म अब आप कहाँ पे किस में कहोगे, इस केस में क्या कहोगे? जनरली वो डॉलर केस में गिना जाता है क्योंकि हमारी करेंसी इतनी फेमस नहीं है कि हमको इतना वेटेज मिले। ध्यान देना, यूरोपियन टर्म कब कहा जाएगा? व्हेन फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ डॉलर दिया हो, यूएस। सो व्हेन पाउंड पर डॉलर इज 0.60, तो पर डॉलर है, डॉलर इज द बेस करेंसी, वो यूरोपियन टर्म बन गया। ठीक है सर, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट इज। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग दैट आई टॉट इन द लास्ट 2.5 आवर्स। दिस इज द बिगेस्ट एवर रिविजन वीडियो। थोड़ा डिटेल में गए थे, इतना डिटेल में आई थिंक जाना नहीं चाहिए था, अब मेरे को रियलाइज हो रहा है, बट ठीक है, इट्स ओके। मैं एक और वीडियो आगे जाके नेक्स्ट अटेम्प्ट में कहीं अपलोड करूंगा, जिसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी समराइज करूंगा ताकि एंड टाइम पे आपका टाइम ज़्यादा बच सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट रिविजन वीडियो। कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैनुअल एंड पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस विल श्योरली हेल्प यू अलॉट इफ यू डू इट कंसेप्चुअली। बाय बाय।